और आप यहाँ पर बटन सेलेक्ट कर सकते हो। बटन का साइज आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और तो मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई लोग, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सेम कीबोर्ड ऐसा आप भी बना सकते हो। तो गाइस, उसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, जिससे कि आपको पूरे स्टेप समझ में आ सके। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे अपने फोन पे जो कीबोर्ड होता है उसको कैसे स्टाइलिश बना सकते हो, बहुत ही जबरदस्त बना सकते हो। क्योंकि गाइस, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू गाइस आप इजीली अपने कीबोर्ड को बहुत ही जबरदस्त बना सकते हो। गाइस, इसी बात पे यार वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इसी तरह से हेल्पिंग से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। एंड यार, सपोर्ट करो अपने भाई को, ठीक है। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, यदि आपको अपनी प्रॉब्लम पे कोई वीडियो चाहिए तो यार कमेंट करो, या फिर मुझे सोशल मीडिया साइट पे आके डीएम करो, या फिर अभी तक आपने वहां पर मुझे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो यार, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सिंपली मैं आ चुका अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन के लिए कैसे एक स्मार्ट कीबोर्ड बना सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए आपको करना क्या है, एक ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है इमोजी कीबोर्ड। तो गाइस, हो सकता है ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर ना मिले, इसलिए मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन पे जाके आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको सीधे ऐप का इंटरफेस दिखा देता हूं कैसा है। गाइस, आप देख सकते हैं यहां पर ऐप का कुछ इस तरह से आइकॉन दिखेगा, और जब आप इस पे अंदर जाओगे तो किस तरह का इंटरफेस दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूं। गाइस, आप जब अंदर जाओगे तो कुछ पहले आपसे परमिशन मांगेगा, आपको ग्रांट कर देनी है। सिंपली गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं, जो कि आप अपने कीबोर्ड पे अप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखो, जिससे आपको पूरे स्टेप समझ में आ सके। तो गाइस, आपको सबसे पहले एक कीबोर्ड बना के दिखा देता हूँ। गाइस, आप यहाँ पर एक थीम का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम मिल जाती है अपने कीबोर्ड के लिए। जैसा कि मैं इस पर किसी भी थीम पर मैं आपको जाके दिखा देता हूँ गाइस। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर थीम्स हैं, तो मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे को पसंद आ जाए यार जल्दी से। तो यहाँ पर इतने ही थीम्स हैं, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ये है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। ये जैसे ही डाउनलोड होता है ये अप्लाई भी हो जाएगा। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं गाइस, आपका कीबोर्ड कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। आप इजीली यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हो और आपका कीबोर्ड स्मार्ट बन जाएगा। एंड गाइस, मैं आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जब भी ये स्टिकर्स होते हैं गाइस, जैसे कि इसमें से बहुत सारे 3D इमोजी है, ठीक है, आप जैसे इस पे जाते हो और इसको डाउनलोड करते हो तो गाइस ये डाउनलोड हो जाएंगे और आपके कीबोर्ड पे जाके ऐड हो जाएंगे। तो कैसे होते मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं गाइस, इसमें ये 3D इमोजी कीबोर्ड यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इसमें आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ये इमोजी वाला ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है गाइस। अब मैं आपको एक नया कीबोर्ड और बना के दिखा देता हूँ गाइस, जो आप अपने मन से बना सकते हो। तो गाइस, आपको करना ये थीम वाले ऑप्शन पर जाना है, और जाने के बाद नीचे आपको ये क्रिएट माई ओन थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है, इसमें आप अपने प्रकार की थीम बना सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऐसी कुछ थीम इस प्रकार से बन जाएगी, जो कि मैंने ये वाली सेट करके रखी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम मिल जाती है गाइस, आप ये देख सकते हो। आपके लिए बहुत ही शानदार ऐप है यार, तो आप यहां से बहुत ही इजी तरीके से यार सेट कर सकते हो। मैं आपको यहां पर और भी कुछ थीम दिखा देता हूं, ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगा यार, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। तो गाइस, मैं यहां से फटाफट से एक नया कीबोर्ड बना के दिखा देता हूं। तो गाइस, मैं यहां पर ये वाला कीबोर्ड बना रहा हूं, और आप यहां पर बटन सेलेक्ट कर सकते हो। बटन का साइज आप यहां पर देख सकते हो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और तो मैं यहां पर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। एंड गाइस, आप ये इसका जो ओपेसिटी है वो भी देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर यही रहने देता हूँ मैं। सिंपली आपको फॉन्ट पे जाना है, आप फॉन्ट भी यहाँ से आप अपने प्रकार का सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना कर्सिव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को कर्सिव पसंद है इसलिए मैं कर्सिव कर लिया। फिर यहाँ पर आप साउंड भी देख सकते हो गाइस, जैसे कि आप कभी कभी देखते हो ना गाइस, यहाँ पर साउंड होता है जब कीबोर्ड को टैप करते हो, तो ऐसे आप जब भी टैप करोगे तो यहाँ पर साउंड होगा, ठीक है। तो कुछ भी आप टैप कर सकते हो, ये
ये कैमरा वाला है, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारे साउंड मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। और यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, ये सेव बटन पे क्लिक कर देना और आपका कीबोर्ड बनके तैयार हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर क्रिएट अनदर कीबोर्ड, यानी आप एक और कीबोर्ड बना सकते हो कोई, तो ये बन चुका है गाइस। अब मैं आपको यहाँ पर इसका कुछ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कीबोर्ड में। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कीबोर्ड बन चुका है, ये आप यहाँ पर मैं टाइप करके भी दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यार यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आपको यदि नहीं पता कैसे सब्सक्राइब करना तो आपको मैं दिखा देता हूँ गाइस। आपको सिंपली ये वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर रेड कलर से लिख कर आएगा सब्सक्राइब बटन, सिंपली आपको ये सब्सक्राइब ऐसे कर देना और ये बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।